हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष कुमार 3S लाइफस्टाइल एकेडमी से मैं एक छोटी सी वीडियो पेश कर रहा हूं जिसके मार्फत आपको हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द वन ईयर डिप्लोमा कोर्स इन द फायर एंड सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ सेफ्टी इन एनवायरमेंट। सो इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी सी आइडिया मिलेगी द क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर वन ईयर डिप्लोमा कोर्स, कैसे और कौन से इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करना है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं हर एक जगह पे, हर एक सिटीज में आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, छोटे बड़े इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक क्राइटेरिया बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने एक पेश किया हूँ आप लोग सभी को थोड़ी आपकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट एंड गुड इंस्टीट्यूट फॉर यू। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया, टॉप सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आपको आज की तारीख में हर एक के पास मोबाइल होता है, हर एक के पास स्मार्टफोन होता है। तो सबसे पहले अगर आपको सेफ्टी कोर्स के बारे में आइडिया आ रहा है तो सबसे पहले चेक इंस्टीट्यूट रेपुटेशन एंड सोशल मीडिया एंड विजिट टू इंस्टीट्यूट। अगर आप विजिट कर सकते हैं उस इंस्टीट्यूट को विजिट कीजिए, उस इंस्टीट्यूट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। फिर रिव्यू रेटिंग्स एंड फीडबैक ऑन द गूगल जसदाल एक्सेट्रा। आज क्या है, सारा जमाना जो है रिव्यूज एंड फीडबैक का है। तो जो जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी स्टडी कीजिए, उसकी फीडबैक क्या है, उसकी रेटिंग्स क्या है, मार्केट में वैल्यूज क्या है, कितनी पुरानी इंस्टीट्यूट, इस सारी चीज को आपको देखना चाहिए। टेक द रेफरेंस एंड द कॉन्टेक्ट 5 to 10 स्टूडेंट्स। एटलीस्ट आप इंस्टीट्यूट से बोलिए, जिस इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उस इंस्टीट्यूट को बोले ठीक है लेट मी गिव, आप मुझे 5 से 10-15 लोगों का नाम दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पर्सनली। आप अपने पेरेंट्स से भी उनसे बात करा सकते हैं ताकि जो है उनसे जो भी एक आपको आइडिया रहेगा, एक आपको मेजरमेंट करने का एक आइडिया रहेगा, डिसीजन लेने के लिए आपको काफी मदद मिलेगी। इस तरह की अगर आप रेफरेंस से बात करते हैं तो आपको बहुत मदद मिल सकती है। लुक इंस्टीट्यूट क्रेडेंशियल्स, मतलब जो इंस्टीट्यूट बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, तो उसकी क्रेडेंशियल्स, उसकी अफिलियेशन एंड अक्रेडेशन, उस सारे आपको चेक करना चाहिए, तो आपको जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी। पास रिकॉर्ड ऑफ द जॉब प्लेसमेंट गिवन टू द स्टूडेंट्स। सबसे बड़ा क्रक्स है कि भाई हर एक इंस्टीट्यूट बोलती है कि हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, तो उसकी पास रिकॉर्ड क्या है। मतलब आप जब एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपकी राइट बनती है कि आप जो है उस इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, कितने लोगों को उन्होंने प्लेसमेंट दिया, उस सभी जानकारियां आपके आपके पास होनी चाहिए। फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की फैसिलिटीज क्या है उनके पास, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्टाफ की बिहेवियर कैसी है, मतलब वहां पे जो स्टाफ मिलते हैं वहां का वातावरण कैसा है, वो उस सारे आपको चेक करने चाहिए। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और इंस्टीट्यूशनल और कैसे सपोर्टिव है स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको सारी जानकारी जब इन सारी सिलेक्शन क्राइटेरिया को आप फोकस करेंगे तो आपको सारी आइडियाज मिल जाएगी। और फिर लास्ट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, फीस एंड द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बहुत अनाप शनाप जो है पैसा लेते हैं, तो आप एक रिजनेबल इंस्टीट्यूट को आप सेलेक्ट कीजिए जिसके पास जो फीस रिजनेबल चार्ज करता हो और जो है एक आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज, मतलब एटलीस्ट एक साल का कोर्स है तो आपको जो है एक आपको एक फाइन इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज दे, ताकि जो आपको पेमेंट करने में इंस्टीट्यूट को दिक्कत ना आए और कोई भी उसमें हिडन कॉस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की अगर आप थोड़ी सी आप रिव्यू करेंगे, थोड़ी सी आप जानकारियां प्राप्त करेंगे बिफोर द टेकिंग द डिसीजन एंड एडमिशन, तो आपको बहुत सारी सहूलियत मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। तो आप जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।